सब बात से पीछे जाए, हाथ मत रखो ना बात से, बात से पीछे। सलाम खान सभी के साथ है। अरे हटिए ना, हटिए हाथ लोग हटिए ना, तभी तो बाहर निकलिए ना, चलिए बढ़ते चलिए, अब बढ़िए ना, बढ़िए बढ़ बढ़ और बढ़ाइए ना, चलिए बढ़िए तो बढ़िए, चलिए बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, चलिए बाहर निकलिए, आप हमको हॉस्पिटल आप जेल लेके चले गए, भाई क्यों मारना चाहते हैं आप हमको, ऑपरेशन हुआ है, मेरी जरूरत है, ऐसी कौन सी गुनाह मैंने कर दी, कौन ऐसी भूल हो गई कि आप हॉस्पिटल, आप जांच को पूरा करिए, प्रॉपर जांच भी नहीं करते हैं। ये डीएम एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है, डॉक्टर मालिक होंगे ना, डॉक्टर देखेंगे ना, आपको लगता हो तो उनको भेज दीजिए दिल्ली, दिलचर नहीं जा रहा बिहार की पूरी राजनीति, दिलचर नहीं जा रहा, डॉक्टर भी खींचे खींचे आगे करेंगे, किसी मंत्री किसी पदाधिकारी के कहने पर आप करिएगा, ये नहीं चलता है ना, आप पहले प्रॉपर केयर तो करिए, इलाज तो करिए, इलाज करिए, हमारी जिंदगी तो बचाइए, और कोरोना पॉजिटिव कर देंगे आप, छह फीट दूरी, छह फीट दूरी, सुनिए आप भी सब पीछे, कहाँ ले जा रहे जांच जांच के लिए जा रहे हैं, जांच के लिए जा रहे हैं, अब साजिश है क्या है, नहीं तो जांच के बाद पता चलेगा, चलिए साइड हो तो, चलिए चलो साहब, तुम गाड़ी निकाल रहे हैं, चलिए 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 आगे चलिए, एम्बुलेंस से चलिए, जी सर कहाँ ले जा रहे हैं, आपको ये पता चलेगा, गाड़ी हाँ गाड़ी पीछे, गाड़ी पीछे ले लो, गाड़ी हाँ गाड़ी पीछे ले लीजिएगा, कहाँ ले जा रहे हैं, बोलिए सर, अभी देखिए कुछ पता नहीं है इनको कहाँ ले जा रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग एम्बुलेंस के आगे चलेंगे कि कहीं हम सर मुझे मालूम नहीं है, मुझे हम लोग जब तक हम लोग देखेंगे नहीं ये तो बोलने की जांच लेके जा रहे हैं, लेकिन हम लोग किसी की हाल नहीं आगे रहे आगे 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 हाँ हाँ पैदल ही चलेंगे, यही तो जाना है, ये देखिए मगर नेता जी डरे हुए हैं, नहीं सर कोई नहीं जाएगा सर, पुलिसकारों को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, सुनिए पप्पू जो भी हो, और मैं यहाँ जो जनता लोग हैं उनसे भी आग्रह करूँगा, नहीं आइए
जनता से अनुरोध करूंगा, दैनिक भारत का अनुरोध करूंगा, आप लोग दूर रहें। पप्पू यादव के स्वास्थ्य का सवाल है, आप लोग दूर रहे उनसे, आप लोग पत्रकार लोग भी दूरी से ले। पप्पू यादव ने कर दैनिक भारत फिर आग्रह करता है सारे लोगों से, आप लोग दूर रहे, दूरी बना के रहे। अगर आपने नेता को सही समय में देखा उनके कार्यकर्ता से भी आग्रह करूंगा। पहुँच गया देख सकते तमाम सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं की गई है, पुलिस भी काफी सतर्क है, अननेसेसरी लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। बहुत देखिएगा फोटो ले कह सकते धूप चलिए चलिए धूप लग रहा है तो चुनूंगी और मुन्ना खान उनके ऊपर अपने गमछे बना रखे हैं। ये हमारा सिटी के इसके अंदर हम लोग अभी नहीं जा सकते हैं, तमाम कार्यकर्ता लोगों डॉक्टर साहब को जाना है। सलाम खान खड़े हो गए, आप देख सकते हैं अब्दुल सलाम खान गेट पे खड़े हो गए और जनता को रोक रहे हैं कि चीते अंदर न जाए, प्रशासन का साथ दे रहे हैं। देखिए पप्पू यादव के आदत स्थिति नाजुक है, दैनिक भारत कि आप यहाँ पे बिना जरूरत भीड़ न लगाए कि हम आपकी जरूरत होगी। मैं पत्रकार हूँ, मैं नहीं बोलूंगा सर। इनका यहाँ पे MRI होना है,
हमारा यहाँ की बच्चा आगे बढ़िया और मैं सभी सभी कार्यकर्ताओं से सभी कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करता हूँ, विनती कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस वक्त उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग जो है उनसे डिस्टेंसिंग बना के सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए थोड़ा दूरी बनाएं। आपकी मोहब्बत को हम सलाम करते हैं। जितना आप लोगों ने किया, आप लोगों ने जो किया उसका तो हम इसका कुछ अदर दे नहीं सकते, अल्लाह ही अदर देगा, लेकिन जितना गरीबों के लिए उन्होंने किया, मैं उन जनताओं से अपील करता हूँ कि उनके लिए सड़क पर आइए। बिहार सरकार उनका जान लेना चाहती है। बिहार सरकार चाहती है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, जो एम्बुलेंस माफिया के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, जो जो दवा माफिया के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, उसको ख़त्म कर देना चाहती है ताकि करोड़ जनता की आवाज़, गरीब जनता की आवाज़ दबा दी जाए। इसीलिए प्रेशर की वजह से क्या 48 घंटा डिले या रोक दिया गया है? जी हाँ, तो अभी सुबह सुबह ले जाया जा सकता था। बिल्कुल, उनको ले जाने का कार्यक्रम पूरा हो गया था। चुपचाप जब तक हम लोग जागते उस वक्त तक यहाँ पर सारी प्रशासन की गाड़ी लग गई थी, लेकिन हम लोग को खबर लगते ही तमाम कार्यकर्ता जो उनके चाहने वाले प्यार करने वाले सब पहुँच गए, और प्रशासन पर खासकर हॉस्पिटल पर ये प्रेशर बना कि जब इनका जांच पूरा नहीं हुआ है तो इनको भेजने का तुक क्या है। आप पहले इनका जांच कीजिए, जांच का रिपोर्ट आएगा, डॉक्टर की बोर्ड बैठी हुई है, डॉक्टर की बोर्ड रिपोर्ट जो करेगी उसके हिसाब से इसको भेजिए। ये क्या है, कभी मधेपुरा, कभी बीरपुर, कभी दरभंगा, फिर यहाँ से पटना, ये क्या है? ये सिर्फ मानसिक स्थिति को गड़बड़ाने के लिए। पप्पू यादव में चिपके हुए, कैसा डर लग रहा है आपको? क्यों चिपके हुए आप सारे लोग? पप्पू यादव रात रात भर पहरा दे रहे हैं, क्या है सर? जब तक उनके साथ हैं साया की तरह, तब तक तो कुछ नहीं होने देंगे। साया के बाद डर लगता है कि ऐसे सेवक को कहीं बिहार सरकार अपने भ्रष्ट नीतियों के एवज में इनका जान न ले ले। इसलिए मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि जनता के लिए लड़ रहे हैं वो, अभी कोई राजनीति नहीं। पप्पू यादव नहीं है, पप्पू यादव ने भी डर जताया कि उनको कोरोना पॉजिटिव कर दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? अभी बोला है पप्पू यादव, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि कोरोना के अंदर में ये आराम से बहुत सारी चीज़ों को दबा सकते हैं, और ये सब ये कोरोना का नाम लेके जो इनसे प्यार करते हैं उनको दूर कर सकते हैं, जो प्रेस वाले हैं जो उनका बात बोल पा रहे हैं उसको खत्म कर सकते हैं, उनकी आवाज़ को दबा सकते हैं, इसीलिए कोरोना पॉजिटिव होने का डर है। उन्होंने तो चिट्ठी जारी किया डीएम से। फोटो फोटो उधर निकल, बात समझिए, हाँ ले जा, धीरे 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 आराम से आराम, अरे मेरे साथ बैठिए, चलिए चलिए। सर कहाँ ले जाया जा रहा है? सर इनको हम लोग गया, अभी इनका MRI हुआ, हमको ये डर था कि इनको कहीं पटना न चिट कर दें, हम लोग आगे आ गए थे, इनको फिर अभी MRI करवाया गया है, इनको अभी हम लोग लेके फिर ICU डिपार्टमेंट में लेके जा रहे हैं। चल, 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 सर Yeah.
कैमरा पीछे से सर प्रणाम सर कैसा है सर तबियत एक करप अब जी पिस्टल चले गए से मशीन चल रहा है डाइन सरकार से पूछिए कि वो जबरदस्ती क्यों रखते हैं, क्यों मारना था। प्रणाम सर। अरे मुन्ना भाई से मिलिएगा तो रुकिए ना भाई।